सुप्रभात बच्चों, इससे पहले हम ध्वनि कविता जो कि पाठ एक था हमारा कविता वन, उससे पहले हम उसके क्वेश्चन आंसर और उस कविता को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है ये हमारी दूसरी कविता है, तो आइए चलते प्रस्तुत है आपके सामने आज की कहानी लाख की चूड़िया। ठीक है, पाठ अपने नंबर दो है ये, वसंत भाग तीन से। लाख की चूड़िया जो है इसके लेखक है कामतानाथ जी, कामतानाथ इनके लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। बेसिकली इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी लेखक ने जो है किस प्रकार से मशीनी युग आने के कारण हमारे जो समाज में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं उनकी व्यथा यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये इन्हीं इसी व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम कहानी में बदलू है। बदलू जो है एक गाँव में रहने वाला एक मनिहार है। ठीक है, मनिहार कौन होते हैं? जो चूड़िया बनाते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले हम आपकी वसंत भाग में दिए गए कुछ शब्दों के अर्थ हम पढ़ लेते हैं जो कहानी के बीच बीच में आते हैं और जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ती है। कहानी में एक शब्द आया चाव। चाव क्या होता है? इच्छा, चाह या रुचि, इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। सलाखे क्या होती है? सलाई या धातु की एक छड़ होती है पतली सी जिससे जो है पिरोने का काम किया जाता है। मुंगरी यहाँ पे गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम में आती है। पैतृक एक शब्द आया है। पैतृक शब्द क्या होता है? पैतृक जो पिता से चली हुई आ रही कुछ पुश्तैनी चीजें होती हैं जो पूर्वजों से चली आती हैं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे आपके घरों में बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जो उनके दादाजी भी वही काम करते थे फिर माता पिता भी वही काम करते हैं, वही होता है पुश्तैनी। या फिर कुछ आप लोगों का पुराना घर जिसको पुश्तैनी बोलते हैं, मतलब वो आपके दादाजी के द्वारा बनाया हुआ घर था लेकिन उससे अब पैतृक संपत्ति होने के कारण अब वो आपके पिताजी के पास है। ठीक है, आगे आती है खपत। खपत शब्द का अर्थ होता है माल की बिक्री। ठीक है, अब आती है वस्तु। पैसे से ना खरीद कर पैसे से ना पैसों से न खरीद कर। विनिमय का अर्थ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न भी बनेगा कि वस्तु विनिमय किसको कहते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पर एक पद्धति चलती थी जिसमें जो लोग हैं वो वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते थे और इसी तरीके से पद्धति चलती थी। वर्तमान में क्या आप सोच सकते हैं कौन सी पद्धति चलती है? क्या वस्तु विनिमय अभी भी है? आप लोग सोच सकते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। अभी वर्तमान में वस्तु विनिमय नहीं होता है। अभी आप लोग देखोगे आप जो भी दुकान पर जाते हैं तो पूरा का पूरा सामान आपको पैसों में मिलता है, आपको कैश देना पड़ता है। तो वस्तु विनिमय अभी भारत में नहीं है, अभी क्या है? रुपए की पद्धति प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं कसर। कसर क्या होता है कि घाटा पूरा करना या कमी जो है उसकी कसर निकालना। हम बोलते हैं ना कि जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा अभी अंत में एक महीना पढ़ के हम पूरी कसर निकाल लेंगे तो वही घाटा पूरा कर लेना। नाजुक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? कोमल होता है। ठीक है, आगे शब्द देखते हैं। कुछ पगड़ी आप जानते हो जो कि सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा सा कपड़ा होता है। आप लोगों ने यहाँ पर भी मैंने महाराष्ट्र में भी देखा है कई जगह पर इस पगड़ी का लोग प्रयोग करते हैं। मरहम पट्टी जख्म का इलाज करना, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया शब्द जो है ये हमारा लोक प्रचलित शब्द है। इसको क्या है? ये बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चकोर खाट। आप लोगों ने खाट देखी होगी, मैं आप लोगों को ये इसमें भी दिखा दूंगी, हमारी कहानी में भी आया है और वसंत में। ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये इस पर जो बैठेंगे बड़ी खाट होती है। खाट का ही छोटा रूप होता है ये मचिया, जिस पर कि ये छोटा सा बच्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इसको हम बोलते हैं मचिया। ठीक है, तो ये छोटा रूप होता है, खाट का ही छोटा रूप होता है और सेम धागों से सुतली से इसको बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ अर्थ हो गए। अब आते हैं मुखातिब। मुखातिब एक उर्दू का शब्द है। मुखातिब का अर्थ होता है कि सामने फेस टू फेस बात करना, आंखें इधर उधर ना चुरा के बल्कि फेस के सामने अपने चेहरे के सामने बैठकर दूसरे व्यक्ति से बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा सा पात्र होता है, आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा जिसमें हम कई बार सब्जियां रखते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, या फिर जिससे हमें सब्जी तोल कर दी जाती है तराजू टाइप की चीज़, उसको डलिया भी बोला जाता है। फबना
फबना का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, फबना का अर्थ सजना होता है या शोभा देना होता है, अट्रैक्टिव लगना, अच्छा लगना। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कौन सी है बच्चों, लाख की चूड़ियां। अब सबसे पहले हमें पाठ का अर्थ देखना है, इसका कहानी का नाम में ही छिपा हुआ है चूड़ियां, मतलब चूड़ियों की बात हो रही है। और कौन सी चूड़ियों की बात हो रही है, लाख की चूड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये लाख की चूड़ियां कौन सी होती है, ये एक मेटल टाइप की चीजें होती है जो बेसिकली प्रसिद्ध होती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये किससे बनाई जाती है, लाख का एक कीड़ा होता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, उसी से जो है उसी की उसी उस मोती टाइप की जो चीज होती है उसी से ये चूड़ियां बनाई जाती है। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर प्रसिद्ध होती है, पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई थी लाख की चूड़ियां, पुराने समय में स्त्रियों के द्वारा बहुत पहनी जाती थी। ठीक है, तो ये जो कहानी है लाख की चूड़ियों पर है, ये देखिए आप जो है यहाँ पर एक सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पर एक कौन बात कर रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेखक कौन है, कामतानाथ जी हैं। ठीक है, वो अपने बचपन की एक छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर शेयर हमसे कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि सब वो गांव में, एक गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति था, मतलब कहाँ पर था, लेकिन आप लोगों की जब ये ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, जैसे आपके समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होते हैं, तो आप लोगों के माइंड में पहले से ही कुछ न कुछ एक प्लान होगा कि हम मामा के घर जाएंगे, हम बुआ के घर जाएंगे। इसी प्रकार से कामतानाथ जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उनको भी छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ घर पे जाने का बहुत ही चाव था। बड़ा चाव का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, क्या होते हैं इच्छा, इंटरेस्ट, कि उनको सबसे ज्यादा जाना कहाँ पर अच्छा लगता था, अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता था। आप लोगों को भी लगता होगा, ऑब्वियसली आप वेट करते होंगे कि मई जून की छुट्टियां कब आएंगी, हम मामा के यहाँ जाएंगे घूमने के लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारी। तो इसी प्रकार से लेखक कहाँ पर जाते थे, अपने मामा के घर जाते थे, और मामा के घर जाकर वो सबसे पहले उनको सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था, बदलू लगता था। ठीक है, तो कहानी में एक पात्र आया है यहाँ पे बदलू, तो आपको ध्यान रखना है इस पात्र का नाम, क्योंकि पूरी कहानी बदलू के ऊपर ही है। और ये जो आपको मैंने फोटो दिखाई है, ये कौन है, ये बदलू ही है। ठीक है, जो क्या बना रहे हैं, लाख की चूड़ियां बना रहे हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप मामा के घर जाते हैं तो मोस्टली लोगों को आप मामा या मामी ही बुलाते हैं। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वैसे तो मुझे रिश्ते के हिसाब से उनको क्या बुलाना चाहिए था, मामा बुलाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए ही मैं भी उनको क्या कहकर बुलाता था, बदलू मामा ना कहकर बदलू काका उनको कहकर पुकारता था। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों का बनेगा कि लेखक बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहते थे, तो ये प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को देखना है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी में। बदलू का मकान कैसा था, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब एक खाली जगह जिसको बोल देते हैं, वो पड़ा हुआ था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। ठीक है, आप लोग देखेंगे एक पेड़ के नीचे ये काम कर रहे हैं, ये नीम का वृक्ष है, खाली जगह है, यहाँ पर ये अपना काम करते थे, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती थी, आपने देखा होगा भट्टी मतलब क्या होती है, जिसमें आग जलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक छोटी सी भट्टी थी। भट्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब वो लाख की चूड़ियों को ढालने का जो काम किया, पहले लाख को पिघलाया जाता है। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती है, पहले लाख को पिघलाया जाता है, किसमें, आग की भट्टी में पिघलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, बगल में एक भट्टी देखती रहती थी जिसमें लाख पिघलाया करता था, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के क्या हुआ करते थे, मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार वो दे देता था। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको कुछ चीजें, पिक्चर से ही हमारी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो चीज टंगी हुई है यहाँ पर ये क्या करते थे, पिघला पिघला कर यहाँ पे इस भट्टी से पहले लाख को पिघलाते थे,
फिर इनके जो हाथ में, इसको हम मुंगेरी टाइप बोलते हैं, जिसमें कि वो चूड़ियों को आकार देने का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर वो चूड़ियों को इनका आकार देने का काम करते थे और यहाँ पर सामने इस तरीके से इनको टांग देते थे। ये पीछे आप बॉक्स देखते होंगे, ये आकार देने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ इनमें ऐसे लकड़ी टाइप चीजों में इनको टांग देते थे ताकि चूड़ियों की शेप जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो इस प्रकार से ये अपना कार्य कामकाज करते रहते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था। मचिया मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यह मचिया एक लोक प्रचलित शब्द है जो खाट का ही छोटा आकार होता है, जिसको हम आज की भाषा में, इंग्लिश भाषा में अगर कहें तो स्टूल टाइप की चीज होती थी जिस पर वो बैठकर अपना काम करते थे। बगल में एक हुक्का रखा रहता था। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब भी जाते होंगे तो गांव के लोग हुक्का पीते हैं। ठीक है, तो वो बदलू भी पीता था। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। अब लेखक अपनी बातें बता रहे हैं, जब वो अपने मामा के घर जाते थे तो वो ज्यादातर दोपहर का समय कहाँ पर बिताते थे, बदलू के पास बिताते थे। और वो घंटों ये बैठकर देखते थे कि वो चूड़ियाँ किस प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पिक्चर में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे था। ये देखिए यहाँ पे जो ये है अपना लेखक है। ठीक है, ये जो है लेखक है और ये जो है बदलू काका है। ठीक है, तो ये अपना लेखक भी, लेखक को भी एक मचिया पर बिठाया हुआ है। जब ये इनके घर जाते थे दोपहर में तो इनको भी एक मचिया बदलू जो है दे देते थे और इनके पास ही बैठते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि लेखक को इतनी रुचि क्यों थी, बदलू के वहां जाने पर उनको इतना अच्छा क्यों लगता था, आगे हम इस कहानी में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ये बात हो गई कि सबसे ज्यादा दोपहर का समय जो है लेखक का कहाँ पर बीतता था, बदलू के घर पर ही बीतता था। वो घंटों बैठकर ये देखते रहते थे कि वो बदलू चूड़ियाँ किस प्रकार से बना रहे हैं। और बदलू लगभग डेली कितनी चूड़ियाँ बना लेता था, 4 से 6 जोड़े वो चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलू के चरित्र के बारे में बताया हुआ है कि बदलू किस प्रकार का एक व्यक्ति था। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं, जैसे सोने का काम करने वाले को सुनार कहा जाता है, लोहे के काम करने वाले को लोहार कहा जाता है, इसी प्रकार चूड़ियों का काम करने वाले व्यक्ति को मनिहार कहा जाता था। उस समय पे चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। मैंने बताया पैतृक पेशा क्या होता है, जो कि पिता से चली आ रहा एक पेशा होता है, यानी व्यवसाय जो पिता कर रहे थे वही पुत्र भी कर रहे थे। ठीक है, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। क्यों खपत थी, क्योंकि पूरे गांव में जो है बदलू ही सबसे ज्यादा चूड़ियां बनाता था और लगभग गांव की औरतें, अब उनके गांव की ही नहीं बल्कि अन्य गांव की औरतें भी बदलू की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। अब बात यहाँ आती है कि वो इतनी सारी चूड़ियाँ बनाता था, उसकी खपत भी ज़्यादा थी, लेकिन वो कभी पैसों में नहीं बेचता था, क्योंकि लेखक ये जिस समय की बात कर रहा है उस समय में क्या चलता था, वस्तु विनिमय। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग उनको अनाज दे देते थे, बदलू को अनाज दे देते थे और बदले में बदलू उनको क्या दे देता था, चूड़ियाँ दे देता था। वैसे बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन कभी कभी वो लेखक ने कभी झगड़ते नहीं देखा, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर बदलू हमेशा जिद पकड़ लेता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बदलू ऐसी जिद क्यों पकड़ लेता था। देखिए, पूरा साल तो बदलू किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, अनाज के बदले ही वो चूड़ियाँ बेच देता था या चूड़ियाँ दे देता था, लेकिन जब शादी का अवसर आता था उस समय बदलू वस्तु विनिमय की प्रणाली नहीं अपनाता था। उस समय क्या करता था, उस समय वो क्या शादी के अवसर पर वो हमेशा पैसे लेता था। ठीक है, तो शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यहाँ पर आया था सारी कसर निकाल लेना एक मुहावरा है, तो हमें इसको भी देखना है। कसर निकाल लेना मतलब घाटे को पूरा कर लेना। पूरा साल वो कितना ही घाटे में रहे लेकिन विवाह के अवसर अपने पर अपना घाटा पूरा कर लेता था। अब मुझे याद है यहाँ कौन बात कर रहा है, यहाँ पे लेखक बात कर रहा है कि मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बदलू क्या हो गए थे, बिगड़ गए थे और फिर उनको मनाने में लोहे लग गए। अब यहाँ पे फिर से एक मुहावरा आया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, लोहे लग जाना मतलब कि बहुत ज्यादा मनाना, बहुत मुश्किल मनाना, कोई किसी व्यक्ति को मनाने में बहुत ही मेहनत करना। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर आपको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो
बदलू को विवाह के अवसर पर मनाने के लिए लोहे लग गए। ठीक है, कभी कभी आप माता पिता से जब नाराज हो जाते होंगे तो आपकी माता को आपको मनाने के लिए बहुत लोहा लगाना पड़ता होगा, आप बहुत मुश्किल से मानते हैं यदि जिद पे आप आ जाते हैं छोटे बच्चे। ठीक है, तो लोहे लग जाना यहाँ पे एक मुहावरा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब इस विवाह के अवसर पर जब वो चूड़ियां बनाता था तो उसको क्या क्या मिलता था, उसमें घरवाली के लिए उसकी मतलब उसकी पत्नी के लिए भी उसको वस्त्र मिल जाते थे, अनाज भी मिलता था, उसको सिर पे पहनने के लिए पगड़ी भी मिल जाती थी और रुपए भी उनको मिल जाते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात बदलू के बारे में आगे बात बढ़ रही है कि बदलू को सबसे ज्यादा चिढ़ किस बात से थी। वैसे तो बदलू स्वभाव से अच्छा था, बस शादी के अवसर पर कभी कभी वो जिद पकड़ लेता था, या हम यो कहें कि अपना उसका कार्य था तो वो अपने कार्य में घाटा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पूरे साल में केवल एक ऐसा अवसर शादी का ही आता था जिसमें कि बदलू अच्छे से पैसे कमाता था। अब बात करते हैं कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी। बदलू को सबसे बड़ी चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। अब आप मुझे बताओ बच्चों, बदलू कौन सी चूड़ियां बनाता था, किसकी बनाता था। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। तो जब वो लाख की चूड़ियां बनाता था उसका व्यवसाय क्या था, एक तरीके से लाख की चूड़ियां बनाना। तो उनको कांच की चूड़ियों से होना स्वाभाविक है ना। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कोई दुकान खोली या आपके मम्मी पापा ने कोई दुकान खोली, उन्होंने एक चूड़ियों की दुकान खोली, ठीक है, लाख की चूड़ियों की। बराबर में ही दूसरे व्यक्ति ने कांच की चूड़ियों की दुकान खोल ली और धीरे धीरे क्या होने लगा, आपकी जो लाख की चूड़ियां हैं वो कम बिकने लगी और कांच की चूड़ियां क्या होने लगी, ज़्यादा बिकने लगी। तो बच्चों आप मुझे बताओ, तो फिर आपको उस समय गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि हमारी चूड़ियां नहीं बिक रही हैं, बराबर वाली दुकान की बहुत सारी चूड़ियां बिक रही हैं। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी बदलू को क्या होने लगा, इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ थी कि कोई भी स्त्री कांच की चूड़ियां पहने, यानी बदलू क्या चाहते थे कि सारी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहने। अब यहाँ पे बात है कि बदलू को इस बात से चिढ़ थी कि कांच की चूड़ियों से किसी भी स्त्री के हाथों में यदि वह चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था। अंदर ही अंदर कुढ़ना मतलब वह अंदर ही अंदर उसको बहुत ही गुस्सा आता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। किन्हें सुना देता था, गांव की औरतों को वो सुना देता था। ठीक है, मुझसे तो घंटों बातों किया करता था। अब यहाँ आगे कौन किससे बातें कर रहा है, लेखक से बातें हो रही है। तो क्या करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी मेरे घर के बारे में, तो कभी मेरे शहर के बारे में। और मैं उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते, यानी लेखक क्या बता रहे हैं बदलू को कि शहर में तो सब कांच की ही चूड़ियां पहनते हैं, वहां पर लाख की चूड़ियां कोई नहीं पहनता है। तो उस समय पर बदलू उनको क्या जवाब देते थे, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती हैं और उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उनका एक माइंडसेट है, यहाँ पर बदलू का एक माइंडसेट दिखाया गया है, उनका छवि दिखाई गई है कि उनके शहर के प्रति क्या सोच है और वहाँ की स्त्री के प्रति क्या सोच है। ठीक है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था, कभी वो मेरे लिए गाय का दूध मलाई बचा कर रखता, तो कभी आम की फसल में से मुझे दो चार आम डेली देता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त, लेखक को ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लेखक को बदलू का कौन सा व्यवहार लगता था, यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पीछे भी बनेगा जो मैंने आपको बताया था कि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। बच्चों को आपको भी पता, आप लोगों ने कंचे खेले होंगे, ठीक है, कांच की गोलियां खेलते होंगे ना, खेले होंगे आप लोगों ने भी। तो उस समय में लेखक अपनी बात बता रहा है, लेखक कांच की गोलियों से ना खेलकर किससे खेलते थे, लाख की गोलियों से, और वो लाख की गोलियों ने कौन देता था, बदलू देता था। ठीक है, अब बच्चे कहाँ पर जाते हैं ज्यादा, जहाँ पर उनको उनकी पसंद की चीज मिलती है, तो इसलिए बच्चों को वहां जाना बहुत पसंद होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा
कि जब आपको जहाँ जो चीज़ आपकी पसंद की मिल जाती है तो वहाँ आपका बार बार जाने का मन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि वो बदलून के पास क्यों जाते थे, क्योंकि बदलून को दो गोलियाँ, एक दो गोलियाँ डेली बनाकर वो दे देता था। ठीक है, मैं बोधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, मैं दो तीन बार ही गांव में गया था, लेकिन मेरे पापा की कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। जैसे अब आप लोगों को यहाँ कुछ अच्छा लगा होगा, जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, आपके पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको भी जाना पड़ता अपने पिता के साथ में, तो वो सब चीज़ें उनकी छूट गई और वो गाँव तक नहीं जा पाए। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गया तो वहाँ इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी अब लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं 8-10 साल के बाद गया, 8-10 साल बाद भी उनकी उम्र भी बढ़ गई होगी तो वो बड़े भी हो गए होंगे, तो अब जो है आप लोगों ने देखा होगा बचपन में आप गुड़िया और दूसरे खिलौनों से खेलते होंगे, लेकिन जब आप 8वीं कक्षा तक आ जाते हैं तो आपके खिलौने भी बदल जाते हैं। क्यों, आपको क्या है, अब आपको जो है घर में गुड़िया से बैठकर या लड़कों को घर में तलवारबाजी या इस तरीके की या बंदूक चलाना अच्छा नहीं लगता होगा, बल्कि आपके खेल जो हैं दूसरे हो गए होंगे, आप लोगों को ग्रुप में खेलना अच्छा लगता होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिखा रहा है लेखक कि उनकी भी रुचि अब बदल चुकी थी। रुचि मतलब यहाँ पर एक शब्द आया है क्या, उनका इंटरेस्ट, अब उनका इंटरेस्ट जो है ला की गोलियों में नहीं रहा गया था। तो इसलिए क्या हुआ, जब वो बहुत 8-10 साल बाद गए तो उनको बहुत समय तक बदलू काका की याद ही नहीं आई लेखक को। क्यों नहीं आई, क्योंकि वो उनके पास गोलियों के लिए जाते थे और अब गोलियां वो खेलते नहीं थे। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, लेखक के साथ में उनके मामा की एक छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उनके मामा की लड़की ने हाथ में क्या पहना हुआ था, कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और वो चूड़ी टूट कर, कांच की चूड़ी टूट कर लेखक के हाथ में घुस गई और लेखक को बहुत सारे खून आए। ठीक है, सॉरी, बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। किसकी कलाई में घुस गई, यहाँ पर उनके मामा की छोटी लड़की के हाथ में घुस गई, सॉरी लेखक के हाथ में नहीं, किसके हाथ पर लग गई, मामा की छोटी लड़की के हाथ में। यानी कलाई क्या होती है, जिस पर औरतें चूड़ियाँ पहनती है, इसी में कलाई, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या बहने लगा, खून बहने लगा। उस समय मेरे मामा भी घर पे नहीं थे तो उनकी लड़की की मरहम पट्टी किसको करनी पड़ी, बताइए, घर पे कोई जब होता है कोई तो कौन करता, अगर किसी को चोट लग जाए, मान लो कि आप और आपकी मम्मी हैं, आपकी मम्मी को यदि चोट लग जाती और आप हो घर पे, तो उनको पट्टी दवा देने का कार्य कौन करेगा, आप ही करोगे ना। तो इसी प्रकार से जब उनकी लड़की को चोट लग गई, मामा की लड़की को, यानी उनकी चूड़ी चुभ गई हाथ में, तो लेखक ने ही उनकी मरहम पट्टी की और तभी उनको एकदम से सहसा, यहाँ पे एक शब्द है सहसा, इसका अर्थ होता है अचानक, तो उनको बदलू की याद आ गई और उन्होंने सोचा कि आज उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है, तो शाम में क्या होता है, लेखक घूमते घूमते कहाँ पर जाते हैं, बदलू काका के पास जाते हैं। ठीक है, तो जाते हैं, तो जब जाते हैं क्या बोलते हैं, नमस्ते बदलू काका, उन्होंने, किसने कहा ये बात, लेखक ने कहा, नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु मुझे उन्होंने पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर वो निहारते रहे। निहारने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखना, यानी उनको निहारने का अर्थ मतलब कि देखना। कौन देख रहा था किसको, लेखक को कौन देख रहे थे, बदलू काका देख रहे थे। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। यहाँ पर कौन कह रहा है, लेखक बता रहे हैं कि मैं आपके पास से छोटा सा था जब मैं बचपन में आपसे गोलियां बनवा कर लेकर जाता था। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होता है, बदलू और उनकी बातचीत होती है, वो आपस में एक दूसरे को बात करते हैं, फिर देखते हैं लेखक, कुछ देर शांति रही, मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। या अब क्या दिखाई दे रहा है लेखक को, कि ना तो मचिया जिस पर बैठकर जो बदलू काका है चूड़ियां बनाते थे, ना तो अब वो दिखाई दे रहा था और ना ही कहीं पर भट्टी दिखाई दे रही थी। तब लेखक ने क्या पूछा, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तब बदलू काका ने जवाब दिया, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है,
मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मशीनी युग, ये आपको समझना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और आज वर्तमान हमारी परिस्थितियों को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बदलू बता रहा है कि उसका काम कई सालों से बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब कोई भी स्त्री लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। अब किसकी चूड़ियाँ पहनती हैं? अब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। और कांच की चूड़ियाँ किससे बनती हैं? मशीनों से बनती हैं। अब आप सोचिए यहाँ पर कि मशीन आने की वजह से, मशीन आने के कारण से बदलू पूरी तरह से क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। क्योंकि मशीनों से एक तो काम जल्दी होता है और उसका काम जो है थोड़ा सुंदरता से भी होता है। मशीनों से डिज़ाइन ज़्यादा दिए जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी किसानों के साथ भी ये चीज़ हुई है, जैसे मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले किसान स्वयं गेहूं काटते थे, चावल की फसल काटते थे, लेकिन अब क्या आ गई है? मशीन आ गई है। तो इससे क्या हुआ है, जो छोटे कर्मिक थे, जो छोटे श्रमिक थे, जो छोटे छोटे व्यक्ति अपना काम करते थे हाथों से, उनका काम क्या हो गया? अब छीन गया है। और किन्हों ने छीन लिया वो काम? मशीनों ने छीन लिया। अब लोग मशीनों से काम ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मशीनें एक तो जल्दी काम करती हैं और एक अच्छा काम करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बदलू का बड़ा ही दुखदाई, उनका बड़ा दुख का समय का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। उन्होंने जवाब दिया है कि मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। पहले कौन जोतता था? किसान स्वयं जोतता था, लेकिन अब कौन जोतता है? मशीनों से काम होता है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन अब आगे लेखक कह रहे हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने देखा था कि उनके मामा की लड़की की हाथ पर कांच की चूड़ी चुभ गई थी, जिससे उनको काफी दर्द हुआ था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, उसके बाद जो है, मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का अर्थ यहाँ पे क्या है? बहुत बड़ा दुख। मैं सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा विद्यार्थियों, ध्यान देना है, क्वेश्चन बनेगा आपका कि मशीनी युग ने मनुष्य के हाथ किस प्रकार काट दिए। आप बता सकते हो, मैंने अभी भी डिस्कस किया आप लोगों से कि मशीन आने के कारण लोगों की जो रुचि है वो हाथ से काम करने वाले श्रमिकों के प्रति कम हो गई है और व्यक्ति क्या हो गए हैं? बेरोजगार हो गए हैं। ज़्यादातर व्यक्ति मशीनों से काम करवाते हैं, ठीक है। अब आगे पूछ रहे हैं लेखक, आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर तक वो इस तरीके से ही बातें लेखक और बदलू करते रहे, ठीक है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहलाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब, मैंने मुखातिब शब्द का अर्थ बताया था कि मेरी तरफ चेहरा, मतलब आमने सामने होकर बात करना, होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खां खिलाना मैं भूल गया था। आप देख रहे होंगे गांव के व्यक्तियों में एक तहजीब होती है कि एक व्यक्ति यदि घर पे आता है कोई मेहमान, किस प्रकार से वो उसका आदर सत्कार करते हैं। तो ये आपका जो है सीसीटीवी प्रश्न यहाँ पर बनेगा। सीसीटीवी प्रश्न आपसे कैसे बनेगा कि यदि कोई मेहमान आपके घर पर आ जाता है तो आप उसका, उस अतिथि का आप सत्कार कैसे करेंगे? आप लोगों को इस प्रश्न को स्वयं से करना है, सोचना है, फिर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बदलू के द्वारा बताया गया कि बदलू किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। अब लेखक आगे पूछ रहे, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिला दा। अब यहाँ पर बदलू काका की, यहाँ पर किसका गरीबी का वर्णन किया हुआ है, कैसे बदलू काका का एक व्यापार, जो एक काम था, क्या काम था उनका? लाख की चूड़ियाँ बनाना। वो काम कैसे छिन गया? मशीनी युग के कारण, क्योंकि सभी ने अब कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद किया। मशीनी युग आने के कारण, मशीनों से बनने के कारण उनका काम धीरे धीरे बंद हो गया। उनके पास एक गाय थी, अपना घर का कार्य चलाने के लिए उन्होंने क्या किया,
उस गाय को भी बेच दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि उनकी किस प्रकार से बेरोजगारी हो गई और किस प्रकार से उनकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने फिर अपनी बेटी से, इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। तो यह बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। चौगुने मतलब चार गुना, आप समझ जाएंगे, और बखत मतलब एक समय। बखत का मतलब यहाँ पे ये आम प्रचलित भाषा का शब्द है, बखत इसका अर्थ होगा समय। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को, मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब क्या होता है, आगे जो है उनकी बेटी उनको कुछ आम दे देती है, और जब वो उनकी हाथों में देखते हैं, लेखक क्या होता है, जब उनकी बेटी जो है रज्जो लेखक को आम दे रही होती है, तो वो देखते हैं कि उनकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो लेखक उनकी चूड़ियों की तरफ देख रहे थे। फिर इधर बदलू ने देखा कि लेखक लगातार जो है उनकी बेटी की चूड़ियाँ देख रहा था। फिर बदलू उत्तर देता है, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने मुझको दे रहे थे पर मैंने जोड़ा नहीं दिया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, उन्होंने एक आखिरी जोड़ा बनाया, जमींदार साहब की बेटी थी, वो कितने पैसे मांग रहे थे उसके, 10 आने मांग रहे थे, 10 आने उनको दे रहे थे जमींदार साहब, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा शहर से ले आओ, मैंने आम ले लिया। यहाँ पर क्या दिखाई गई है, बदलू का व्यक्तित्व दिखाया गया है यहाँ पर, कि बदलू एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, उन्होंने अपनी कला से कभी भी समझौता नहीं किया, यानी उनके लिए, उनके पास बहुत गरीबी थी, उसके बाद भी उन्होंने 10 आने में अपनी चूड़ियों को नहीं बेचा, बल्कि उन लास्ट जो जोड़ा था वो किसने पहना, उनकी बेटी ने पहना। ठीक है, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या है कि बदलू ने अंत समय तक भी अपने व्यापार में समझौता नहीं किया, भले ही उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ पर ये बात क्या है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, कि जैसे कुछ थोड़े से पैसे देखे और व्यक्ति जो है बदल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को आप लालच जल्दी देते हो तो बहुत ही व्यक्ति बदल जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, एक तो पहली बात तो संदेश कि हमारा व्यक्तित्व कांच की तरह नहीं होना चाहिए कि वो जल्दी से टूट जाए। हमारा व्यक्तित्व एक ठोस व्यक्तित्व होना चाहिए, जिसकी पहचान होनी चाहिए अलग से। हमारा चरित्र इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी हमें आसानी से तोड़ ना पाए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और कल हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से ही हम इसी तरीके से अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे।